जिले में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में बालाघाट के आभा चौहान ने विजेता इंदौर ग्वालियर भोपाल के खिलाड़ियों को हराकर मध्य प्रदेश विजेता होने का हासिल किया गौरव। टेनिस खिलाड़ियों ने फूल माला से किया आभा चौहान का स्वागत। नगर के वार्ड नंबर 28 में फांसी के फंदे पर लटका मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव। आत्महत्या किए जाने की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंपा। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड के पास छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकराया, चालक सहित दो युवक हुए घायल, जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। कटंगी तहसील के ग्राम हथोड़ा स्थित तालाब स्थानीय मछुआर को दिए जाने की मांग को लेकर जिला फिशरमैन कांग्रेस संगठन ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर सड़क पर उतर कर आंदोलन किए जाने की दी चेतावनी। पिछले कई महीनों से सूचीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई होने और पूर्व से लंबित प्रकरणों में बार बार पीएससी मिलने से जिला अधिवक्ता संघ ने जताया कड़ा विरोध। मंगलवार को न्यायालय कार्यों का बहिष्कार किया, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने किसी भी केस में नहीं की पैरवी। सोलह सूत्री मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा हड़ताल की बनाई गई थी रणनीति, नगर पालिका अध्यक्ष के आश्वासन पर हड़ताल की गई स्थगित। नगर पालिका अध्यक्ष ने 16 में से 14 मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन, समय सीमा में मांगे गई पूरी नहीं होने पर 1 अप्रैल से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की मजदूर संघ ने दी चेतावनी। गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम रुड़वा में पत्नी की हत्या करने के प्रयास में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के शरीर पर डाला गर्म पानी, पुलिस ने तोताराम धुर्वे को किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। लालबरा के बड़ी पनभिरी चौक में 27 जनवरी से जारी श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, भागवत के पांचवें दिन श्री राधा जन, श्री बाल कृष्ण लीलाए, श्री कृष्ण बाल लीलाए, श्री गोवर्धन पूजन का कथावाचक ने दिया प्रवचन, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। रिक्शा चालक संघ ने 31 जनवरी को मनाया रिक्शा दिवस। हाथ रिक्शा चलाने वाले साथियों का किया सम्मान, वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरी किए जाने की लगाई गुहार, साथ ही रिक्शा चालकों के लिए सुविधाओं में इजाफा किए जाने की मांग की। बारासन के ग्राम रटे गांव में एक आवारा पागल श्वान ने वृद्ध महिला व उसके नातन पर किया हमला, किया गंभीर रूप से घायल, श्वान के हमले से घायल को जिला अस्पताल किया गया। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मेट महासंघ के तत्वाधान में 31 जनवरी को सामुदायिक भवन वाराणसी में बैठक का किया गया आयोजन, सीईओ को ज्ञापन सौंप कर 4 सूत्री मांगों का निराकरण करने की मांग की। परसवाड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम सावरझोड़ी में तालाब की तरफ शौच करने गए व्यक्ति पर वन्य प्राणी भालू ने किया हमला, घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से परसवाड़ा के अस्पताल में किया गया भर्ती, बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल किया गया रेफर।